और आपके साथ मैं हूं फराह खान। लंदन की कोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उसे 29 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इसका मतलब नीरव मोदी अब 29 मार्च तक लंदन की हवालात में रहेगा। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी की गिरफ्तारी का स्वागत किया है। नीरव की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार लगातार संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर रही है ताकि नीरव मोदी को जल्द से जल्द प्रत्यर्पित करके भारत लाया जा सके। नीरव मोदी हवालात में है, 29 मार्च तक कम से कम हवालात में वो रहेंगे, जबकि अगली सुनवाई होगी इस केस में। हमें मालूम चला है कि ये कदम इसलिए उठाए गए क्योंकि पुलिस के पास खास खबर थी कि नीरव मोदी भागने की तैयारी में है, और वो अगर भाग जाए तो फिर कानून के हाथ उसका आना मुश्किल है। कचहरी में भी ये कहा गया कि उसके पास बहुत पैसा है और उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो यहाँ पर रहेगा और कोर्ट में पेश आएगा। उसकी तरफ से एक ऑफर दी गई कोर्ट को कि आधा मिलियन पाउंड दिया जाएगा उसकी जमानत के लिए, हर हफ्ते जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा, लेकिन ये बातें कोर्ट ने नहीं मानी। वो अब जो है हवालात में है और भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि आगे जाके नीरव मोदी का केस काफ़ी कमज़ोर रहेगा, भारत सरकार का केस काफ़ी तगड़ा रहेगा। करीब 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। बीते कुछ दिनों में नीरव मोदी के लंदन की सड़कों पर बेखौफ घूमने के कई वीडियो सामने आए थे, जिसके बाद भारत सरकार हरकत में आई और लंदन की पुलिस ने हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक नीरव मोदी को लंदन के होबर्न इलाके से गिरफ्तार किया गया। भारत के वक्त के मुताबिक दोपहर करीब 3 बजे नीरव को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया। सोमवार को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए लंदन में रह रहे नीरव मोदी ने अपना लुक भी बदल लिया था और क्लीन शेवन रहने वाला हीरों का कारोबारी दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर घूम रहा था। अब जो है नीरव मोदी हवालात में है, 29 मार्च तक कम से कम हवालात में वो रहेंगे, जबकि अगली सुनवाई होगी इस केस में। लंदन में नीरव मोदी की मौजूदगी के सबूत मिलने के बाद से ही भारतीय जांच एजेंसियां लगातार नीरव के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन के अधिकारियों के संपर्क में है, ताकि जल्द से जल्द पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को भारत लाया जा सके। लंदन में नीरव मोदी पर शिकंजा कसने के बाद भारत में जांच एजेंसियां भी एक्शन में आ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी नीरव मोदी की जब्त की गई संपत्तियों को बेचने की तैयारी कर रहा है और ये कार्रवाई मुंबई की पीएमएलए कोर्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है। ईडी नीरव मोदी की 173 पेंटिंग नीलाम करने की भी तैयारी कर रहा है, जिनकी कीमत करीब 58 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा कोर्ट के आदेश पर नीरव मोदी की लग्जरी गाड़ियों की नीलामी भी की जाएगी, जिनमें रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ियां शामिल हैं। साथ ही कोर्ट ने नीरव मोदी की पत्नी अमी मोदी के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और अब जांच एजेंसियों की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द नीरव मोदी को भारत लाया जाए, क्योंकि सबकी आंखों में धूल झोंक कर लंदन में आलीशान जिंदगी जी रहे नीरव मोदी पर शिकंजा कस गया है। नीरव मोदी को जब पहली बार लंदन की सड़कों पर देखा गया तो वहां की अदालत ने एक आरोपी के इस तरह खुलेआम घूमने पर गंभीरता दिखाई और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, लेकिन नीरव मोदी फिर भी बेखौफ होकर लंदन में घूमता रहा। 2 दिन पहले ही न्यूज 18 ने उसे लंदन की एक सड़क पर पकड़ा। इस दौरान नीरव मोदी से पीएनबी घोटाले से जुड़े कई सवाल पूछे गए, लेकिन हर सवाल के जवाब में नो कमेंट कहकर नीरव ने पीछा छुड़ा लिया। You resumed business here, Mr. Modi. Can you tell us a little about that? No comment. भारत की जांच एजेंसियों को लंबे वक्त से नीरव मोदी की तलाश थी और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका था।